Hey guys, good morning and welcome to the ground. सुबह के 7:45 हुए हैं और हम लोग एक बार फिर से ग्राउंड पे पहुंच गए. आज शायान का ऑल इंडिया अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शायान भी और मैं भी. हालांकि मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से आज का मैच बनता है. गाइस, शायान पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे और शायान को एक बार फिर से आज नई जर्सी मिली है, बिल्कुल डार्क ब्लू. और शायान की टीम फील्डिंग के लिए पहुंच चुके हैं मैदान के बीचों बीच और विपक्षी टीम भी पहुंच चुकी है. थोड़ी देर में मैच का आगाज़ होने वाला है. विपक्षी टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. हालाँकि मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कभी भी बारिश हो सकती है. आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं, धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है. शायान की टीम को पहले फील्डिंग करना होगा. दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच ऑल इंडिया अंडर 12 टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए 35 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा. आज दोनों ही टीमें लाइट एंड डार्क ब्लू जर्सी में हैं. शायान की टीम ने स्पिन गेंदबाजी से शुरुआत की है आज और ये पहली गेंद अंपायर का इशारा मिलते ही डॉट बॉल से शुरुआत हुई है. शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, इनिंग्स का चौथा ओवर. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की पहले ओवर में, शानदार क्लीन बोल्ड लिया. हालांकि वो मिस कर गए हम शूट करने में, बट पहले ओवर में शायान ने 3 रन खर्च किए थे और 1 विकेट लेने में कामयाब हुए थे. एक बार फिर से दूसरी बॉल और एक उम्दा बॉल. आखिरी गेंद लेकर शायान एक बार फिर से अपने दूसरे ओवर की और इसको डिफेंस कर दिया और इस तरीके से शायान का ये मेडन ओवर ख़त्म हुआ. 2 ओवर, 3 रन, 1 विकेट, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा. शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर और ये जोरदार अपील. हालांकि अंपायर ने इशारा किया कि पैडों से लगी थी बॉल. ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर एक बार फिर से शायान और ये काफ़ी उम्दा बॉल थी. हालांकि कीपर से मिस फील्ड हो गया, स्लोअर बॉल डाला था, बिल्कुल बीट हो गए थे बल्लेबाज. आखिरी बॉल लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की और इसको खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, सीमा रेखा की तरफ जा रही है बॉल और ये सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए. इस तरीके से शायान ने अपने तीसरे ओवर में 5 रन खर्च किए, 3 ओवर, 8 रन, 1 विकेट. शायान एक बार फिर से आ गए हैं चौथी ओवर लेकर अपनी और इसको डिफेंस कर दिया. शायान अपनी 5वीं और इनिंग्स की 10वीं ओवर लेकर दूसरे छोर से, दूर वाले छोर से इसको फ्लिक करके हल्के हाथों से 1 रन ले लिया बल्लेबाज ने. तीसरी गेंद लेकर शायान अपने 5वीं ओवर की एक बार फिर से और इसको फॉलो थ्रू में फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग. 5वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर शायान एक बार फिर से और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है. शायान को मिली दूसरी कामयाबी और ये दोनों ही क्लीन बोल्ड 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर. इस तरीके से शायान ने अपने 5 ओवर के स्पेल में 1 मेडन रखा है, 14 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. उम्दा गेंदबाजी. पहले इनिंग की आखिरी 5 गेंदें बची हैं, 162 रन बने हैं और इसी बीच एक शानदार चौका. 166 रन हो गए हैं और 8 विकेटें भी गिर चुकी हैं. अब आखिरी की 4 गेंदें बची हैं इस इनिंग्स में और इसके साथ ही ऑल आउट हो गई टीम 34.4 ओवर के खात्मे के ऊपर. 166 रन स्कोर किए. अगर शायान की टीम को ये मैच जीतना है तो 167 रन स्कोर करने होंगे फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए. इनिंग्स ब्रेक. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया.
दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और आरव मैदान के बीचों बीच 167 रन्स का पीछा करने के लिए निकल पड़े हैं। फाइनल मैच है ये ऑल इंडिया अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच। दो दो विकेटें दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले गेंदबाजी करते हुए ली थी और अब देखते हैं किस तरीके की बैटिंग होती है। ने आज स्ट्राइक ली है और शायान नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। जनरली शायान स्ट्राइक पे होते हैं, उनका पसंदीदा ये है कि वो स्ट्राइक ही लेना पसंद करते हैं। इसी बीच स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत की गई है और ये पहली बॉल, और ये लेग साइड पे बॉल थी, घुमा दिया आरव ने और शायान पहुंच गए हैं अब स्ट्राइक पे। एक रन से खाता खोला अपना और टीम का। मैदान के बीचों बीच शायान गार्ड लेते हुए बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर सामने शायान, और ये करारा शॉट, हालांकि कवर्स पे फील्डर मौजूद, कोई रन की गुंजाइश नहीं। बॉलर एक बार फिर से और शायान ने भी अब अपना खाता खोल लिया गली की दिशा में खेल के, पहला रन शायान के खाते में। बॉल लेकर एक बार फिर से बॉलर सामने शायान, बॉल एक बार फिर से सामने शायान और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर और एक रन लेने में कामयाब हो गए शायान। इस तरीके से दो रनों पे पहुंच गए। एक बार फिर से सामने शायान और एक और रन शायान के खाते में। एक बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया सामने शायान और इसको मिड विकेट की तरफ खेला है और दो रन लेने में कामयाब हो गए शायान। इसके साथ ही चार रनों पे पहुंच गए हैं शायान। अब दूसरे छोर पे आ गए बल्लेबाजी के लिए, छोर बदल चुका है नौ ओवर के खात्मे के बाद। एक बार फिर से भागना शुरू किया सामने शायान और इसको खेल दिया है, पुल कर दिया है मिड विकेट के सिर के ऊपर से, और देखना होगा क्या इशारा होता है अंपायर का। दो रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। छह रनों पे पहुंच गए इसके साथ। बॉल लेकर एक बार फिर से सामने शायान आउट हो गए शायान इसके साथ ही। इसकी आखिरी गेंद और 24 रनों की दरकार और ये काफ़ी अच्छी फील्डिंग, एक रन और मिलेगा शायान की टीम को। इस तरीके से ये मैच शायान की टीम हार गई है और 23 रनों से विपक्षी टीम ने अच्छी 23 रनों की जीत दर्ज की। यहाँ पे लड़खड़ा सी गई थी, तीन चार रन आउट हो गए जिसकी वजह से ये मैच जीतने में नाकाम रही टीम। हालांकि काफ़ी अच्छा खेले, लड़े, यहां तक पहुंचे और अब मैच का अंत हो चुका है। हाँ हाँ यू आर अ टीम प्लेयर, ये सबसे अच्छा प्लेयर है। शायान ने आज काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, हालांकि बैटिंग में कुछ ख़ास कर नहीं पाए आज, और
इसके नतीजे में आज रनर्स अप ट्रॉफी मिली है और उसको ही इंजॉय करते हुए